वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वन साइडेड चेन इलोंगेशन है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स रिक्वायर्ड है एज एन इनिशिएटर्स, और ज़्यादातर पाई बॉन्ड कंटेनिंग जो मोनोमर्स हैं वो शो करते हैं। ज़्यादातर होमोपॉलीमर्स जो है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए उनको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया कि टू और मोर मोनोमर्स आर एड अप, एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, वन साइडेड चेन इलोंगेशन है, थ्री स्टेप्स के अंदर आता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन एग्जांपल के तौर पे बताने लगा हूँ। इनिशिएशन का सबसे पहला असूल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, फ्री रेडिकल्स जनरेटेड, इसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब क्या क्या आना है पेपर में, आपको रिएक्शन, आपको मोनोमर देकर के पॉलीमर, पॉलीमर देकर के मोनोमर, टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशंस और यूजेस, और यूजेस में सबसे बड़ा या मेजर यूज कहाँ होता है, ठीक है, मैक्सिमम यूज कहाँ पे होता है, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड है जिसमें आप लोग देख रहे हो आपको दो ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, जिस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना H2O2, इसमें दो ऑक्सीजन आ जाते हैं, इसी तरह ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, इसमें भी दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिशन देखने को मिलेगी, और याद रख लीजिएगा फ्री रेडिकल्स जब भी जनरेट करना होता है तो हीट वगैरह के थ्रू क्या किया जाता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होती है। लो जी, हीट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये देखिएगा आपके सामने इस वक्त आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, ये बन गया आप लोगों के पास इस वक्त एक फ्री रेडिकल, ये है कार्बोक्सीलेट फ्री रेडिकल, कार्बोक्सीलेट फ्री रेडिकल। इस कार्बोक्सीलेट फ्री रेडिकल में आप लोग देखेंगे कि आपको इसने अल्काइल ग्रुप देना है, तो याद रखिएगा इनिशिएशन में अल्काइल फ्री रेडिकल्स बनाने होते हैं, अल्काइल फ्री रेडिकल्स एज इनिशिएटर्स, जिन्होंने प्रोपागेशन करवानी होती है, अल्काइल फ्री रेडिकल्स एज इनिशिएटर्स बनते हैं। अब ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल्स आपके सामने देखिएगा, यहां से दोबारा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी, ये दो रहे अल्काइल फ्री रेडिकल्स और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो पेपर में सवाल आ सकता है कि इनिशिएशन स्टेप में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो आप क्या कहेंगे, CO2 गैस, ठीक है, तो ये गैस इनिशिएशन स्टेप में बनती है। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ इनिशिएशन, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आगे प्रोपागेशन में जाते हैं और रीजनरेट करते हैं फ्री रेडिकल्स, तो हम लोग कहेंगे रीजनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, रीजनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स रीजनरेट हो रहे हैं, दोबारा से जनरेट हो रहे हैं। ये देखो फ्री रेडिकल ने अब यहाँ पे मोनोमर को पकड़ना है, आपके सामने बैठे कोई हाथ की सफाई नहीं है, ये पाई बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है, इस पाई बॉन्ड को ये फ्री रेडिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अप्रोच करते हैं, ये फ्री रेडिकल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करते हैं तो इसके रिजल्ट में इसका इलेक्ट्रॉन और इसका पाई इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइंट हो जाता है। ये देखिए ये ज्वाइंट होके आगे दोनों के पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपको यहाँ पे सेपरेट मिलेगा, तो आपको दोबारा से एक फ्री रेडिकल जनरेट होकर मिल जाएगा। अब काम स्टार्ट हो चुका है, अब एक तरफ अल्काइल ग्रुप लग चुका है, अब बस दूसरी तरफ आगे नेक्स्ट मोनोमर्स आते जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे, तो एक साइड पे ही चेन इलोंगेशन चलती चली जाएगी। ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसी तरह इनके दरमियान ताल्लुक, फिर इसी तरह यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, और फिर इसी तरह एक नए फ्री रेडिकल का बनना। ये जब तक चलाते रहे फ्री रेडिकल आते रहे, इसका मतलब है प्रोपागेशन कंटिन्यू रहती है अनटिल फ्री रेडिकल्स, अनटिल मोनोमर स्टॉप ना कर दिया जाए, तो कंटिन्यूस रखवाने के लिए प्रोपागेशन, याद रख लीजिएगा मोनोमर सप्लाई कट ऑफ नहीं करनी, मोनोमर सप्लाई कंटिन्यू जब तक रहेगी तब तक प्रोपागेशन भी कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही मोनोमर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो आपको पेपर में सवाल पूछे प्रोपागेशन को स्टॉप कैसे करना है, तो प्रोपागेशन इज स्टॉप्ड बाय कट ऑफ
ऑफ मोनोमर सप्लाई, कट ऑफ ऑफ मोनोमर सप्लाई, मोनोमर की सप्लाई कट ऑफ कर दें तो ये हमारे पास प्रोपगेशन भी स्टॉप हो जाएगी। टर्मिनेशन करवानी होती है तो टर्मिनेशन में याद रख लीजिएगा फ्री रेडिकल्स आर कंज्यूम्ड, फ्री रेडिकल्स कंज्यूम, यानी कि किस स्टेप में मैंने बताया हुआ है कि फ्री रेडिकल्स ही सिर्फ कंज्यूम होते हैं वो टर्मिनेशन है, जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं वो इनिशिएशन है, जिसमें रीजनरेट होते हैं वो प्रोपगेशन है। इनिशिएशन के आपको राइट साइड पर दोनों फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, प्रोपगेशन के आपको दोनों साइड पर फ्री रेडिकल मिलेंगे, टर्मिनेशन की सिर्फ आपको लेफ्ट साइड पर फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो ये देखें, इनिशिएशन करवाने वाला भी अल्काइल ग्रुप और टर्मिनेशन करवाने वाला भी अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब आपसे कोई कहे कि टर्मिनेशन और इनिशिएशन दोनों में कौन इन्वॉल्व होते हैं तो आपका क्या आंसर होगा, फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप लोगों के साथ देखें, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए और दरमियान में ढेर सारे मोनोमर्स हैं जो आपको लिंक्ड दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को अगर आप लोगों ने सीख लिया है, इनिशिएशन प्रोपगेशन और टर्मिनेशन का अगर आप लोगों को आइडिया हो गया है, ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपको एक ही स्टेप में समझा दिए, तो अब एग्जांपल्स को पढ़ने का टाइम है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं समझानी है मैंने आपको। अब आपको पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन में एथीन मिलेगा, टेम्परेचर प्रेशर ऑक्सीजन की ये अमाउंट और पॉलीथीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कंसिडर किया जाता है। गुड क्वालिटी बनानी हो तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये इथीन के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला है, इसमें आपको टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी मिल सकता है और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, बेसिकली टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एलुमिनियम जो है इसके कॉम्बिनेशन को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ किया जाए, टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी कर दिया जाए और प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो आपको एक पॉलीथीन मिलेगा जिसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। तो याद रखिएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन गुड क्वालिटी के जो टॉयज़ वगैरह हैं या जो बैग्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए कंडीशंस डिफरेंट है। ये कंडीशंस जो है ये गुड क्वालिटी पॉलीथीन की नहीं है, सिंपल पॉलीथीन की है, और ये कंडीशंस जो है वो गुड क्वालिटी पॉलीथीन की है। यूजेस क्या होंगे कि प्लास्टिक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड आइटम्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स, जो फिल्म्स होती है, रैपिंग फिल्म्स जो होती है, ठीक है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह को करने के लिए प्लास्टिक बकेट्स और होसेस वगैरह के अंदर पॉलीथीन यूज़ किया जाता है। तो पॉलीथीन का MCQ आए सबसे बड़ा यूज़ किया तो आप लोगों ने कहना है फिल्म्स या कोटिंग फिल्म्स बनाने के लिए, कोटिंग फिल्म्स बनाने के लिए जो है वो इसका सबसे बड़ा मैक्सिमम यूज़ है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है पॉलीथीन का। आगे चलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC भी कहते हैं, विनाइल क्लोराइड से मिलकर बनने वाला एक पॉलीमर है, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 980 एम प्रेशर है, ये रहा इसका फॉर्मूला आप लोगों के सामने। ये फ्लोर कवरिंग या पाइप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स भी इसी के थ्रू बनाए जाते हैं। कभी देखा आप लोगों ने पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये देखिए आप लोगों को पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको क्लोरोइथीन भी कह सकते हैं, ठीक है, देखे ना, ये है विनाइल क्लोराइड, ये नाम बड़े ज़रूरी है, विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको क्लोरोइथीन भी कह सकते हैं, क्लोरोइथीन। तो ये जो क्लोरोइथीन है ये आप लोगों के सामने इस वक्त पॉलीथीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ये रहे वो पॉलीविनाइल के बने हुए पाइप्स जो कि लाइफ टाइम वारंटी के होते हैं, साल हा साल चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते। इसके यूजेस में देखें कि मेडिकल एप्लीकेशंस है, ट्रांसपोर्ट में है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में है, टॉयज़ में है, पैकेजिंग में है, आर्ट डिज़ाइन और इसके अलावा वॉल पेपर्स भी आजकल बड़े फंटास्टिक किस्म के इसके आए हुए। सवाल आए सबसे बड़ा यूज़ इसका पाइप्स है, ठीक है, जो सैनिटरी पाइप्स है उसमें इसका सबसे बड़ा परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विंडो फ्रेम्स वगैरह के अंदर 19%, आपने मैक्सिमम यूज़ लाजमी याद रखना। बाकी यूजेस भी देखें कि कोटिंग्स और फिल्म्स और रिजिड PVC केबल वायर्स वगैरह बड़ा बला बला बला, ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम यूज़ पता होना चाहिए। पॉलीस्टायरीन जिसको हम लोग जो है वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आए हैं, इसमें स्टायरीन कह लो या विनाइल बेंजीन कह लो, एज ए मोनोमर यूज़ होता है। ये पॉलीस्टायरीन आप लोगों के सामने बना हुआ है और
इसका जो कैटालिस्ट होता है वो ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स होती है, ट्रांजिशन मेटल्स कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ की जाती है, ट्रांजिशन मेटल्स लाइक जिंक वगैरह, ठीक है। और ये फूड कंटेनर्स बनाता है, कॉस्मेटिक बॉटल्स बनाता है, और इसके अलावा टॉयज़ वगैरह भी इसी के थ्रू बनाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा मेजर यूज़ याद रख लीजिएगा, पैकेजिंग ऑफ फूड के लिए जो बॉक्सेस होते हैं वो इससे बनते हैं। देखा हुआ है पॉलीस्टायरीन, देखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड तो दिखा दिया, पीवीसी, आपको पॉलीस्टायरीन भी दिखा देता हूँ, और आपको सबसे बड़ा इसका यूज़ बता रहा हूँ पैकिंग वगैरह वाले। ये अगर आपको याद होगा डिस्पोजेबल क्लब कप जो है वो चमचे ग्लास प्लेटें कांटे सारा कुछ इसके थ्रू, और यम 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 बिरयानी वाला डब्बा, ठीक है जी। तो ये कराची सिंधी बिरयानी जो है आपको जिस डब्बे में पैक होकर के मिलती है, ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स किसका बना हुआ है, पॉलीस्टायरीन का बना हुआ है, पॉलीस्टायरीन। यम यम मुँह में पानी आ गया। उसके बाद ऑर्लॉन आ गया है या पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसको विनाइल साइनाइड कहेंगे या एक्रिलो नाइट्राइल कहेंगे, यूँ समझ लो ये विनाइल क्लोराइड भी हो सकता है, विनाइल साइनाइड भी हो सकता है, विनाइल बेंजीन भी हो सकती है, ये सारे एक ही तरह के मोनोमर्स हैं। तो विनाइल्स बहुत अच्छे रेजिन्स का काम करते हैं, इसका मतलब हमें ये पता चला, ये बन गया पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, जिसको हम लोग ऑर्लॉन भी कह सकते हैं। ये सारे एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स के अंदर इंक्लूड होंगे। ये ऑर्लॉन जो है वो हार्ड होता है, हॉर्नी और हाई मेल्टिंग इसका पॉइंट होता है। ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्लोथ्स कारपेट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के लिए, यू नो वो जो उभरे 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 रफ से सरफेस वाले ब्लैंकेट्स वगैरह या फ्लोर कारपेट्स वगैरह होते हैं, वो इसी ऑर्लॉन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इसके ये यूजेस आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर लिए, ठीक है। तो एक्रिलिक फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्रिलिक फाइबर्स जो है वो बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये सारे थे एडिशन पॉलीमर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स दो आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, वो एपीक्लोरोहाइड्रिन्स वगैरह, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नायलोन वगैरह और पॉलिएस्टर वगैरह। तो पॉलीमर मेड बाय डिफरेंट मोनोमर्स एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर और स्मॉल मेथनॉल वगैरह मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन होती है कंडेंसेशन। पॉलीएस्टर को पढ़ने लगे, नायलोन 6,6 और बेकलाइट इसकी इंपॉर्टेंस में। ये देखिए पॉलीएस्टर कैसे बनेगा, ये आप लोगों के पास टेरीथैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजीन वाला है, दूसरा आपके पास है इथाइलीन ग्लाइकोल। अब आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपसे पेपर में कहे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक डाई ओल है, ये आपस में कंडेंसेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये स्टेरिफिकेशन होगी, वही असूल कि अल्कोहल का एच और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लॉस्ट होकर के वाटर की फॉर्म में निकलेगा। तो ये देखो आपको यहाँ पे एस्टर लिंकेज भी नज़र आ रहा है बकायदे तौर पर, इसीलिए इसको पॉलीएस्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज होता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट होते हैं। अब इसमें देखें चेन इलोंगेशन दोनों साइड्स पे होगी, वहाँ पे एक साइड पे हो रही थी, आप इस तरफ भी मोनोमर अटैच करें, इस तरफ भी अटैच करें, ऑल्टरनेटिवली मोनोमर्स अटैच करते चले जाएँ तो दोनों साइड्स पे इलोंगेशन हो जाएगी और दो टाइप के मोनोमर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पॉलीएस्टर रेजिन्स के अंदर हम लोग इसका मतलब है कि अल्कोहल का एच और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लूज करवा के वाटर लॉस करवा के ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दें तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये एक पॉलीएस्टर का स्ट्रक्चर है, इसमें ये एस्टर लिंकेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया अभी बना करके, अब ये देखो स्ट्रक्चर इस तरह का दे सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर देकर कहे कि बताओ कि ये कौन सा पॉलीमर है। इस पॉलीएस्टर को टेरिलीन भी कहते हैं, इसको डैक्रॉन भी कहते हैं, टेरिलीन भी कहते हैं, पॉलीएस्टर भी कहते हैं, इसके तीन नेम है। अब आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको एस्टर लिंकेज बताएगा कि ये एक पॉलीएस्टर है जो कि थैलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल की पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसके यूजेस क्या है, क्लोथिंग में यूज़ होता है, कारपेट कर्टन्स वगैरह के अंदर, शीट्स वगैरह के अंदर, पिलोज वगैरह के अंदर, और ये जो पॉलीएस्टर की वो जो सॉफ्ट सी रज़ाइयाँ और तकिए वगैरह मिलते हैं, पिलोज वगैरह मिलते हैं, वो सारे इसी के बने हुए होते हैं। तो इसके सारे यूजेस, पावर बेल्ट्स वगैरह जो बनते हैं, रोप्स वगैरह, नेट्स वगैरह, थ्रेड्स वगैरह, टायर कॉर्ड्स वगैरह, ये सारे इसके जो है वो डिफरेंट यूजेस हैं जो कि आप लोगों ने देखने को देखे होंगे। ये वो पिक्चर थी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे,
तो ये पॉलीएस्टर के फैब्रिक्स जो होते हैं ना, ये बड़े आजकल बड़े फेमस है, ये जो स्ट्रेच जीन्स होती हैं उसके अंदर भी नायलोन और पॉलीएस्टर का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। तो ये पॉलीएस्टर के हवाले से बात आ गई। साथ ही मैं पॉलीएमाइड रेजिन भी पढ़ा देता हूँ, जिसको नायलोन सिक्सेस कहते हैं, जिसमें एमाइड लिंकेज होता है या पेप्टाइड लिंकेज के साथ मैचिंग हो रही होती है। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। नायलोन के अंदर आपको नायलोन 6-6 भी मिल सकता है, नायलोन 8-8 भी मिल सकता है। नायलोन 6-6 हमारे सिलेबस में ज़रा मौजूद है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से जो है वो हम लोगों ने बात करनी है, और नायलोन 8-8 भी इसके अंदर मौजूद होगा। ये प्रिपेयर किया जाएगा, सबसे पहले मोनोमर्स याद रख लीजिएगा, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन है यहाँ पे आप लोगों के पास, एक और एक हमारे पास एडिपिक एसिड है। तो ये देखिए आप लोगों के पास मैंने एडिपिक एसिड बना दिया। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इन दोनों में 6-6 कार्बन है कॉमन, और 2-2 फंक्शनल ग्रुप है कॉमन। इधर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इधर 2 अमाइनो ग्रुप है, यानी कि 6 कार्बन होना कॉमन है एंड बाई फंक्शनल ग्रुप होना भी इसके अंदर कॉमन चीज़ है। दो बातें आपको पता चल गई। अब आपने एक और बात जहन में रख लेनी है, ये जो CH2 है मिथाइलिन ग्रुप, ये टोटल तादाद में 4 है एडिपिक एसिड के साथ, और हेक्सामिथिलीन डायमीन के साथ ये टोटल तादाद में कितने हैं, 6 है। ये तादाद n जो है वो आपसे पेपर में पूछ सकता है, इन केस ऑफ एडिपिक एसिड n नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स कितने हैं, 4, n नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स कितने हैं, 6। ये देखो आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपको दोनों साइड्स पे इलोंगेशन दिखाई होती चलती हुई नजर आ रही है। सेंटर में देखें तो आपको ये नायलोन 6-6 नजर आ रहा है। आप देखो ये आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ पे आप लोगों को नायलोन नजर आ रहा है और कहाँ पे आपको एडिपिक एसिड नजर आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से इस चीज को बखूबी जो है वो देख सकते हो। ये डबल बॉन्ड होगा, ये OH नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं जो है वो जो मोनोमर्स, उसमें से n इज इक्वल टू 4 नज़र आ रहा होगा, तो समझ आओ ये एडिपिक एसिड की बात कर रहा है। और जहाँ पे आपको n 6 नज़र आ रहा होगा समझ आओ हेक्सामिथिलीन डायमीन की बात हो रही है। ये पिक्चर में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के बाद एक दफ़ा दोबारा से दिखाता हूँ। हाई स्ट्रेंथ, हाई इलास्टिसिटी, हाई टफनेस, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि एब्रेसिव होता है नॉन स्मूथ सरफेस, तो इनकी सरफेस बड़ी स्मूथ होती है, और यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स एंड टेक्सटाइल फाइबर्स। ये देखो आप लोगों के सामने मैंने एडिपिक एसिड को और हेक्सामिथिलीन डायमीन को आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। तो ये देखो आपके पास मिथाइलिन ग्रुप्स की तादाद आपको नज़र आ रही होगी, तो 4 है, तो इधर आप लोग अगर देखोगे तो आपको बाकायदा तौर पर 6 मिथाइलिन ग्रुप्स नज़र आएंगे। कंबाइन होकर ये इस तरह का एक पॉलीमर बनाएंगे, और ये देखो ये काफ़ी लंबी पॉलीमाइड चेन्स हैं, और इनकी आपस में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। रस्सियों में आपने देखा होगा रस्सियाँ बड़ी मजबूत होती हैं और बड़ी पावर वाली होती हैं, वो क्लाइंबर्स जो है माउंटेन क्लाइंबर्स उनको यूज़ करते हैं और वो जल्दी टूटती नहीं है, तो ये उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो स्ट्रेंथ आती है इसके अंदर एक रोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी होता है। अब आ गया पेपर में क्वेश्चन, ये देखो CH2 के साथ X लिखा हुआ हो और CH2 के साथ Y लिखा हो, तो पेपर में आपसे पूछा जाए कि नायलोन 6-6 में X क्या है और Y क्या है, आपने जज कैसे करना है। अगर तो अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ आपको CH2 नज़र आ रहा है तो समझ जाओ वो 6 तादाद में होगा, और अगर आपको कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ CH2 नज़र आ जाए तो वो समझ जाओ तादाद में कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6। तो ये पेपर में पूछे जाने वाला एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, X6 Y4, और अगर नायलोन 6-10 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो नायलोन 8-8 भी होता है। अगर नायलोन 8-8 है तो फिर इसका मतलब है ये हमारे पास कितना होगा, आप लोग अगर देखें कि नायलोन जो है वो इसको 8-10 नहीं होना चाहिए था, नायलोन 8-10 में X6 होगा, क्योंकि हमारे पास 6 सही लिखा हुआ है, मैंने गलती कर दी है,
क्योंकि जितने कार्बन होते हैं उतना ही यहाँ पे आपको नज़र आएगा नंबर, ठीक है। अब ये देखो ये छः कार्बन है तो छः के छः यहाँ पे हो जाए। लोन एट एट में क्या होगा, आप कहेंगे सर हमें समझ आ गए, इधर हम एट लगा देंगे और इधर कितने लगा देंगे, सिक्स लगा देंगे, क्योंकि दो कार्बन कार्बन आयल में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, कार्बन आयल में। तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों के पास थी। एंड पे डायलोन सिक्स सिक्स के यूजेज़ हैं, एयर बैग जो गाड़ियों के होते हैं, टायर, रोप्स, बेल्ट्स वगैरह और पैराशूट्स वगैरह और स्विम वेयर जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ मशीन के पार्ट्स भी नायलोन से बनते हैं। तो ये नायलोन रस्सी भी आपको दिखा दी जो क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं। तो पॉलीएमाइड्स के और पॉलीएस्टर्स के यहाँ पे सारे यूजेस मैंने लिख दिए कि जो भी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ फैब्रिक के अंदर लानी हो, स्ट्रेच जीन्स वगैरह बनानी हो, स्ट्रेचनेस फैब्रिक में लानी हो, तो वो सारी की सारी यहाँ से बनाई जाती है। तो ये जो बात लेक्चर की थी ये आप लोगों के पास समराइज़ हो रही है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप चाहे ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो मेन चीज़ थी मैंने बता दी है। ये रहा वो टेबल जिसमें सारे पॉलीमर्स इकट्ठे आपको नज़र आ रहे थी, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन और इसके अलावा नेचुरल रबर, ठीक है जी। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ, नेचुरल रबर बनता है आइसोप्रीन से और सिंथेटिक रबर बनता है क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन, ये बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, सिंथेटिक रबर है क्लोरोप्रीन से और नेचुरल रबर है आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन आपके सामने देखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखे तो 1, 2, 3, 4 2-methyl-1,3-butadiene। इधर होगा 2-chloro-1,3-butadiene। तो मेरे बच्चों यहाँ पे समझ जाओ, एक सिंथेटिक रबर था और एक नेचुरल रबर था, दोनों के मोनोमर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। ये सारे अब तक क्या थे, एडिशन। ये एक्रिलोनाइट्राइल भी एडिशन, ये 1,3-butadiene एक्रिलोनाइट्राइल भी एडिशन, मिथाइल मेथाक्रिलेट भी एडिशन, और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एडिशन, विनाइल एसिडेट जो च्युइंगम के अंदर होता है ये भी एडिशन। साथ में इनकी यूजेस भी थमा दी हैं आप लोगों को, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड से डैक्रॉन का बनना, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड से ग्लाइप्टल का बनना, और एक्सामिनेटिंग नाइलोन 66 का बनना, और फिर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बेक्लाइड का बनना, और यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का बनना, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो बेटा मैंने अपनी बुक के अंदर भी ये आप लोगों को बताए हुए हैं, यहाँ पर भी ये आप लोगों को बता दिए है, ये टेबल आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। और इस लेक्चर में हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स की डिटेल पढ़ी, इस लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर्स की डिटेल पढ़ी। काफ़ी सारी डिटेल पढ़ने के बाद ये लेक्चर एंड अप होता है, और लास्ट लेक्चर इस यूनिट का आपके साथ रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस।